हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भागेश क्या कर रहा है ये? सुजल क्या करने में लगे हो तुम लोग? कथन रब करो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? आज कौन कौन पकड़ में आया? कथन, पूजल, इनके नाम नोट करो भाई। कथन और सुजल के नाम नोट करो। लास्ट में एक और था कोई टकाटे करके, ये पूरा मैंने ध्यान नहीं दिया नाम पे उसके। हाँ, चेतन टकाटे था। हाँ सही बात है। हाँ ये बात तो सही है। अभी ओम ना अपन फाइन पेटीएम से कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ राज, तीनों के नाम नोट कर लो। लोगों को देखो आज ये क्या जूम यूजर आ गया भाई। चलो भाई, हम लोग अब इलेक्ट्रो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज क्लास जैसी फील आ रही है। आज क्लास जैसी फील आ रही है, क्या बात है। तो लास्ट टाइम देखो हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे थे। इग्नोर करो राज, जो नाम सही नहीं लिखेगा उसके मैसेज पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जूम यूजर, तुम जल्दी अपना नाम सही करो। तो लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने फोर्स निकालना देखा था, चार्जेस का इक्विलिब्रियम वगैरह देख रहे थे। होमवर्क जो दिया था उसमें कुछ डाउट है? होमवर्क में अपन ने केवल कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन दिए थे ना। या थोड़ा और ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इतना कोई टफ क्वेश्चन था नहीं जो डिस्कस करने लायक होगा। तो एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, अब वो पहले करो, फिर एक दो प्रॉब्लम करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे आज। आज 4 बजे तक क्लास होगी। हाँ
देखो ये क्वेश्चन क्या है, मान लो कहीं पर एक चार्ज रखा है Q1 और एक चार्ज रखा है Q2, इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, एक का पोजीशन वेक्टर R1 दिया है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2 दिया है, तो हमें बताना है कि इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी इनको ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी चार्जेज को, इस पे कहां पे हम एक तीसरा चार्ज रख दें Q3, उसका पोजीशन वेक्टर ना, हमने देखो बिना पोजीशन वेक्टर के नॉर्मली सॉल्व किया है, आपको बस पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q3 सच दैट ऑल द थ्री चार्ज will be in equilibrium. करो ट्राई। हाँ अमन, Q1 Q2 दो चार्ज है, लाइक चार्ज है ना, Q1 Q2 लाइक चार्ज है, तो Q3 बीच में आएगा, तो उसका पोजीशन बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट वीक से आपकी सारी क्लास दो दो घंटे की कर दी गई है ना, मंडे से। हाँ दोनों केमिस्ट्री एक साथ कर दिया है, केमिस्ट्री का आप सुबह हो जाएगा, सीएन सर का नाइट में लेट नहीं होगा।
चलो आप सॉल्व कर रहे हैं, देखो हम इसमें मान लेते हैं कि यहां पर वो अभी संडे को टाइम टेबल आएगा ना, उसमें बताया जाएगा संडे को, कहीं यहां पे मान लो हमने रखा हुआ है टू थ्री को ना, तो ये बीच की डिस्टेंस मान लो कुछ आर है और ये डिस्टेंस क्यू थ्री की क्यू वन से कुछ मान लो आर वन है और क्यू टू से ये कुछ मान लो आर टू है। तो हमने ये पीछे पढ़ा था ना कि जो तीसरा चार्ज होगा वो किस रेशियो में वो डिस्टेंस होती है उसकी, अंडर रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू। ये बात सबको क्लियर है? ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दोनों चार्ज के बीच में जहां पे हम थर्ड चार्ज रखेंगे उससे डिस्टेंस जो होती है आर वन और आर टू वो किस रेशियो में रहते हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होते हैं, अंडर रूट चार्ज के मैग्नीट्यूड। ये याद है ना सबको? और तो हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है, Q3 निकालना है और पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमें अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, इस पॉइंट का हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है R, R3 मान लो इसको, R3 लिखना है। तो अब R3 हम कैसे लिख सकते हैं, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये x1 y1 है ये x2 y2 है और उनको कुछ m is to n रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना सीखा होगा ना। बोलो भाई क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट है, एक है कोई x1 y1 और एक है कोई x2 y2 और इसको कोई एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर रहा है, मान लो पॉइंट ए और बी ये दिए हैं, सी पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है m is to n रेशियो में। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पता है सबको, सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m x2 plus n x1 अपॉन में m plus n। सेम वे में सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो हम सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना लिख सकते हैं, अगर उसके कोऑर्डिनेट पता है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, एक्स सी आई कैप वाई सी जे कैप। अजीम पहले ये मैं कुछ समझा रहा हूँ समझ ले, फिर पीछे वाला देखेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दो, नहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालोगे ये जब वैल्यू डाल के वन वाले टर्म अलग कर लोगे टू वाले टर्म अलग कर लोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एम इज टू वन वाला टर्म जब एक साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा एन एक्स वन प्लस एन, एन कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पे, वाई वन अपॉन एम प्लस एन इंटू आई कैप प्लस सॉरी गड़बड़ लिख दिया एक, नहीं ये देखो ऐसे हो जाएगा एन एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, वन वाले टर्म एक साथ कर रहे हैं ना, प्लस आ जाएगा एम एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप अपॉन एम प्लस एन। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर वन ना, इसका पोजीशन वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं इस टर्म को आर टू ना, इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, एन आर वन प्लस
एम आर टू अपॉन एम प्लस एन. मतलब ये देखो क्या हुआ, जो हमारा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला हम लोग पोजीशन वेक्टर के लिए भी लगा सकते हैं ना. अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है और इसका निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, इधर का रेशियो इंटू इधर का पोजीशन वेक्टर प्लस इधर का रेशियो इंटू इधर का पोजीशन वेक्टर अपॉन एम प्लस एन. जो कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं वही सेम काम हम लोग पोजीशन वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं. अच्छा, ये वेक्टर में सिखाया हुआ है तो अच्छी बात है फिर तो. अब देखो यहां पर, अब यहां पे देखो आपको क्या है, आपको रेशियो पता है ना, आर वन आर टू किस रेशियो है, रूट क्यू वन बाय रूट क्यू टू, ये रेशियो पता है और इनके पोजीशन वेक्टर पता है, तो आर थ्री का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ना. हम लोग बोल सकते हैं आर थ्री का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इधर का क्या होगा, रूट क्यू टू है ना, और इधर का रूट क्यू वन, तो हम लिखेंगे रूट क्यू टू इंटू आर वन प्लस रूट क्यू वन इंटू आर टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू. ये सबको समझ आया क्या क्या हुआ है? हमने रेशियो देख लिया कि थर्ड चार्ज कहाँ रखना है, और फिर उसके बाद हमने ये पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया. ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ पे मैंने यही समझाया है ना कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है. मैथ में भी वेक्टर आ जाएगा तो ये सब तो बहुत ही इजी लगेगा, मैथ में ये सब सिखाया जाएगा वेक्टर में. वही सेम कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला ही लगाना है ना. कोऑर्डिनेट में क्या होता था, इधर का जब हम रेशियो लेते हैं तो इधर का कोऑर्डिनेट और इधर का रेशियो इनटू इधर का कोऑर्डिनेट अपॉन एम प्लस एन, वही पोजीशन वेक्टर के साथ करना है. और Q3 निकालना होगा तो वो आप इजीली निकाल सकते हो ना. Q3 निकालना होगा तो क्या हम Q3 पे फोर्स बैलेंस करें? Q3 निकालना होगा और Q3 पे फोर्स बैलेंस करोगे तो Q3 कट जाएगा ना, फिर आप Q1 या Q2 पे फोर्स बैलेंस कर दो. चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप क्या करोगे, Q2 पे मान लो फोर्स बैलेंस कर दो. Q2 पे अगर हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन में R2 का स्क्वायर. अब यहाँ R2 आपको पता है ना, आपको R2 पता है, R1 R2 का रेशियो पता है, R1 R2 का सम पता है ना. R1 R2 का सम हमने कुछ R माना है तो R2 आ जाएगा, यहाँ डाल दो तो स्मॉल R कट जाएगा, Q2 कट जाएगा, Q3 आ जाएगा. सब लोग समझ रहे हो ना Q2 कैसे निकालोगे? अबे जब मैं इधर स्लाइड पे आता हूं तो तुम लोग बोलते हो उधर वाली स्लाइड, इधर जाऊंगा तो बोलोगे उधर वाली स्लाइड. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो. हो गया, प्रीवियस स्लाइड का टाइम निकल गया. अब कितनी देर से तुम लोग को प्रीवियस स्लाइड ही चाहिए. स्क्रीनशॉट लो भाई, लिखने मत लग जाओ पूरा. कथन कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो.
कथन गलतियां बहुत कर रहा है, बार बार हैंड रेज हो रहा है, कुछ भी बोर्ड पे स्क्रिबल कर रहा है, इतनी गलतियां कर रहा है आजकल तो। एक और प्रॉब्लम करते हैं, सपोज दो चार्ज हैं टू वन और टू टू, ये दोनों ग्राउंड से कुछ हाइट पर हैं, एक है एच टू हाइट पर और एक है एच वन हाइट पर, दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली वी स्पीड से अंडर ग्रेविटी थ्रो किया ना, दोनों को हमने अंडर ग्रेविटी थ्रो किया, तो हमें बताना है दोनों का मास सेम है ना, दोनों आइडेंटिकल है, चार्ज अलग अलग दिया गया है, तो अब ये कुछ ऐसे पाथ पे जा करके टूटू कुछ ऐसे पाथ पे जा करके कहीं यहां टकराता है ग्राउंड पे, जहां से फेंका गया वहां से हॉरिजॉन्टली डी डिस्टेंस पर, तो हमें बताना है कि जिस टाइम पे सेकेंड चार्ज ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितने हाइट पर होगा, उसकी पोजीशन क्या हो रही होगी ना, क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज आर थ्रोन एट थ्रोन इन स्पीकर, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम सेकेंड चार्ज जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उस टाइम पर, जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाले टाइम पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको भाई, प्रथमेश कंप्लेन कर रहा है वॉइस लैग, लैग है थोड़ा सा हो रहा है सर, उसका इंटरनेट खराब होगा। ज्यादातर लोगों को तो दिक्कत नहीं है ना, हेलो हेलो तन्मय, वेदांत तू ये फालतू के काम ही कर, पासवर्ड कहां से लेके आएगा, अभिलाषा कुछ बोलना चाह रही है, अच्छा अच्छा मत करो, ओके ओके मुझे लगा मस्त यूज करो ऐसा बोल रहा है, मेरे को नहीं बोल रहा है स्वयं तेरे लिए बोल रहा था वो, क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग जल्दी। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, दोनों चार्ज अंडर ग्रेविटी फेंके गए हैं, जब फेंके गए तो एक की हाइट h1 थी एक की h2 है, दोनों को सेम स्पीड से फेंका हमने, तो जब ये कोई d डिस्टेंस पे जाके हिट करता है उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास कहां पे रहा होगा वो बताना है। भागेश क्या दिक्कत चल रही है जिंदगी में, क्यों हैंड रेज करके बैठा हुआ है, अनम्यूट करके पूछ ले कोई दिक्कत है तो। सर बोलो क्या, हाँ बोलो,
मतलब ऊपर है ना वो, नीचे वाला है मैं ना, उसके ऊपर इनिशियल फोर्स निकालेंगे इसका इलेक्ट्रो का, और फिर एक्सीलरेशन ले लेंगे नॉर्मल जी को, हाँ, और जहां पे वो स्ट्राइक करेगा ना उसका एच उसमें थोड़ा ऐड कर देगी एच वन प्लस एच टू बाय, नहीं फिर से सोच थोड़ा तो श्रेया अनम्यूट करके बोल क्या किया तूने सर, मतलब वो एंड में जितना नीचे आएगा इनिशियल सेंटर ऑफ मास से उतना ही कम होगा, क्योंकि वो उन दोनों के बीच का ही फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज होगा? हाँ, मेनली इसीलिए क्वेश्चन दिया था मैं मूव कर रहा हूं, कि आपको ये ध्यान रहे कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है, तो सेंटर ऑफ मास तो केवल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है ना, हाँ, तो बाहर के फोर्स का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं है, तो वैसे सोचना है, ज्यादातर लोगों ने इलेक्ट्रो वाला फोर्स लगा दिया। सही सोचा तूने, वेरी गुड राज, कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पर सर वो दोनों साइमल्टेनियसली ग्राउंड को टच करेंगे, वो किसे पता? ये कहाँ बोला गया कि दोनों करेंगे? यही बोला गया ना व्हेन सेकंड चार्ज। हाँ, तो जब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड को टच कर चुका है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास ग्राउंड को नहीं कर रहे है। हाँ, तो उसका पोजीशन कैसे निकालेंगे फिर? इनिशियल एच वन है, तो एच वन माइनस हाफ जी आर बाय वी होल स्क्वायर बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगा सही से, मैंने कर लिया बोलने के बाद। सुनो तो सही भाई, मैंने तूने सुन लिया, अब तू मेरी सुन ले, जितना मैंने बोला उस पे ध्यान दे सर, सिविक सेंस सुन लो ना सर। अब रुक जा यार, श्लोक आ गया और आगे फुल स्टॉप भी लगा रखा है इस बार। नहीं आंसर सर, श्रेया का आंसर राइट है, पर उसका रीजन अलग है, मतलब थोड़ा। नहीं नहीं आंसर राइट नहीं है श्रेया का, श्रेया का कॉन्सेप्ट सही है, बट थोड़ा गड़बड़ किया उसने। श्लोक की बातें सुनने दो, बोलो श्लोक। सर हम टाइम के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते सर, सुनो ना सर। तो तू पहले ही बोल रहा नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूं? हम लोग है ना दोनों मासे से उनके मीन पोजीशन ले लेंगे, और उधर से जितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने के लिए वो उनका मतलब COM को जितना टाइम लगेगा वही पकड़ेंगे। हाँ वही पकड़ना है, वेरी गुड। एक ही बॉडी पकड़ना है COM पर, और उसका जो ट्रैजेक्टरी होगी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे ही करना है, आप सॉल्व कर दे सर। सही है ना, आप हंस रहे हो। सही है भाई, तो सॉल्व तो कर, कल बोलने थोड़ी होगा। आर्यन तू क्या बोलता है? अरे सर आदित्य लेट, नहीं डिस्कशन आज नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। शुभम क्या चल रहा है भाई, अपने आप ही नो लिखे जा रहा है, फिर सॉरी लिखे जा रहा है सर। H1 plus H2 by G whole root into V, ये क्या कर दिया तूने, चमत्कार कुछ कर दिया लग रहा है। सर रूट के अंदर H1 plus H2 by G into V खत्म, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाता है। नहीं V रूट के अंदर नहीं, V भारी है। एक बार लिखते हैं, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है तेरा आंसर। फिर से बोलो, H1 plus H2 by G by G अंडर रूट। हाँ नहीं रुको, कुछ गलत, अरे समझा रुको सर, into V था ये। H2 दिया हुआ है भाई वरद, फिर प्राइवेट चैट मत कर, बाहर कितनी बार बोला है, फिर भी तुम लोग वही करते हो। अब सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ बोलो। H1 plus H2 by 2 minus half G D by V square ही आएगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास D by V square। अब सही बोला तुमने।
वही लिखा था आंसर, कहाँ डी लिखा था पिछली बार, तो कहीं डी था ही नहीं तेरे आंसर में। अरे वो रेंज लिखा है सर उधर। अच्छा वो आर लिखा है क्या? ओके ओके हाँ फिर तो सही लिखा था तूने पहली बार में। ओके सर ये डी क्या है? डी तो बस ऐसे ही है कुछ देखने में, कुछ दे दिया। ये डी यहाँ से दिया था ना, यहाँ से फेंका तो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके हिट करेगा। ये दिया है क्वेश्चन में, डी दिया है, H1 H2 दिया है, M बोला गया था, Q1 Q2 दिया है, V दिया है, इन सबको यूज कर सकते हो। वरद ने H2 आंसर निकाला हुआ है, प्राइवेट में डाला नहीं है लेकिन निकाल के भेजा हुआ है इसको। वरद यार ऐसे नहीं चलेगा भाई, पब्लिक में डाल आंसर। चलो अब देखो सब लोग, देखो यहाँ पर ये दोनों सिस्टम पर बाहर से केवल कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का ना, तो सेंटर ऑफ मास केवल किसके वजह से मूव करेगा? सेंटर ऑफ मास केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर सकता है ना, उसके मोशन को केवल एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो वाले फोर्स का हम सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं लेंगे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पे भी रहा होगा पहले कहाँ रहा होगा, दोनों मास अगर सेम है तो सेंटर मास कहाँ रहा होगा शुरू में, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। अब यहां से जैसे हमने इन दोनों को फेंका, अगर इसकी स्पीड वी है इसकी स्पीड वी है तो सेंटर ऑफ मास की भी स्पीड कितनी आएगी हॉरिजॉन्टल में? सेंटर ऑफ मास की भी स्पीड हॉरिजॉन्टल में वी आएगी ना, दोनों का अगर सेम मास है सेम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, तो सेंटर ऑफ मास भी हॉरिजॉन्टल में वी स्पीड से चलेगा। तो इसका मतलब और ये भी वी से चल रहा है, ये भी वी से, और अगर मैं इसका मोशन देखूं तो ये ऊपर को इलेक्ट्रो वाला फोर्स लगेगा, इस पे नीचे को इलेक्ट्रो वाला फोर्स लगेगा, मतलब वर्टिकल में इलेक्ट्रो वाला फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल में ये हमेशा एक लाइन में ही चलते दिखेंगे, ये नीचे हो रहा होगा, ये थोड़ा कम नीचे आ रहा होगा, लेकिन ये हमेशा एक ही लाइन में आएंगे, एक वर्टिकल लाइन में, और सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे पड़ेगा वर्टिकल लाइन पे। तो हमें बस अभी सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना है ना। भागेश पाटिल यार तू हैंड रेज करके ही बैठा रहता है पूरे टाइम, कुछ तो बता क्या दिक्कत चल रही है। तो अब देखो भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाएगा ना मिड पॉइंट पर, और उसकी शुरू में स्पीड कितनी बोलोगे? जी। तो अब हमें निकालना है कि जब ये यहाँ टकरा रहा होगा, सेकेंड पार्टिकल जब ग्राउंड को टकरा रहा होगा, अच्छा पीसी का प्रॉब्लम है, सेकेंड पार्टिकल जब ग्राउंड पे आके टकरा रहा होगा उतने टाइम बाद सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ चुका होगा? सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आ जाएगा? वो हॉरिजॉन्टली फेंका गया ना सेंटर ऑफ मास, तो वर्टिकल में कितना नीचे आ जाएगा टी टाइम में? अगर हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड उसकी वी है, वर्टिकल वाली शुरू में जीरो है, तो टी टाइम में कितना नीचे आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, और टी कितना पकड़ोगे? हॉरिजॉन्टल में अगर देखे तो डी बाई वी करके निकाल लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल में जाने के लिए केवल वी स्पीड है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां आने में? डी बाई वी हो जाएगा ना, उतने टाइम में सेंटर ऑफ मास नीचे कितना गिर गया वो डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसकी इनिशियल पोजिशन देखो कितनी थी, इनिशियल देखोगे तो कितनी आएगी? H1 प्लस H2 बाई 2 आएगी ना इनिशियल ये हाइट, इनिशियल जो पोजीशन होगी H1 प्लस H2 बाई 2 आएगी ना, और इतना नीचे गिर गया तो अभी ग्राउंड से कितनी हाइट बची होगी उसकी? कहीं मान लो अभी यहाँ आया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास की अभी जो हाइट आएगी ग्राउंड से वो आएगी H1 प्लस H2 बाई 2 माइनस हाफ जी डी बाई वी का स्क्वायर। सबको चमका भाई अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, H1 प्लस H2 बाई 2 होगा इनिशियल हाइट। राज हाँ सर समझ, तूने तो कर लिया था ना बाद में, तो कौन सा ये तो बता दिया था ना तूने लास्ट में। हाँ सर समझो,
ठीक है, अब चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। यार आज वाले डाउट अब ये आज तो और ट्राई कर लो, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में करने को, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अच्छा इसमें सेकेंड स्टेप, प्रथमेश अनम्यूट कर पहले तो। अबे प्रथमेश देखो पहले ये बताओ, अगर कोई भी चीज को मैं जीरो वेलोसिटी से छोड़ दूं, अगर मैं कोई चीज को अगर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका कोई चीज को, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैंने कोई चीज को हॉरिजॉन्टल फेंका तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई इनिशियल वाली, जीरो ना, और नीचे का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। टाइम हमने निकाल रखा है कितना है, डी बाई वी, तो नीचे कितना चला जाएगा, वाई इक्वल टू यू टी, यू जीरो है ना वाई डायरेक्शन का, हाफ जी टी स्क्वायर, तो नीचे कितना गया हमने वो निकाल लिया ना, माइनस बता रहा है कि नीचे गया है। अब हमने उसकी इनिशियल हाइट देखी, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल हाइट थी h1 प्लस h2 बाय 2, और नीचे कितना गया ये निकाल लिया, हाफ g d बाय v का स्क्वायर। तो अब ये वाली हाइट बता दी, फिर ठीक है बच्चों सबको समझ आया क्या क्या बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यार मेरे को व्हाट्सएप पे तू वैसे डालना, उस पे डाल दूंगा ना, ग्रुप पे वीडियो नहीं डाल रहा हूं, फिर बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते टाइमली सही से। अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जैसे हमें ये पता है कि जो चार्ज होते हैं हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे बताओ ना, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऊंगा ना, मैसेज कर देना मैं देख के फिर कर दूंगा। देखो हमने जैसे ये देखा कि एक Q1 चार्ज के पास में जब हम एक Q2 चार्ज रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्स लगाना है, ये फोर्स लगाना कैसा है, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस कैसे, ये जो चार्ज है अपने सराउंडिंग में उसने एक फील्ड क्रिएट की, और जैसे उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आके इंटर करता है, जैसे कोई दूसरा चार्ज आके इंटर करेगा तो तुरंत वो क्या होगा, फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। सेम वे में हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर पहले से ये रखा हुआ है तो हम बोलेंगे इसने फील्ड क्रिएट कर रखी है और उसमें इसको रखते हैं उस पर फोर्स लगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमने इसको रखा तो इसकी भी फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पर, और उसमें ये आया तो इसकी फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। तो मतलब जो ये कूलम फोर्स होता है, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है, फील्ड का क्रिएट होना, और दूसरा स्टेप है फील्ड, फिर जो चार्ज उसमें आएगा उस पे फोर्स लगाएगा। तो इसी को लेकर के फिर हमने फील्ड डिफाइन किया। फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज रीजन अराउंड चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज विल कम देन इट विल ठीक है। तो कोई भी चार्ज के आसपास का जो रीजन होता है उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिसाइड कर रहे हैं
यार तू देख नाम चेंज कर रहा है, फिर मैं आपको ये मैं अभी रिमूव कर दूंगा, फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तेरा क्लास मिस हो जाएगा, तो फालतू के काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से दिखाते हैं, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रखे हैं। देखो जैसे हमने देखा कि भाई अगर हमने कोई चार्ज यहाँ रखा तो इसके आसपास पूरे फील्ड में पूरी जगह फील्ड क्रिएट हो गया है पूरे रीजन में। अब अगर यहाँ पे मैं कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा, अगर यहाँ रखूंगा तो कुछ अलग फोर्स लगेगा, मतलब जो फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फील्ड में भी कुछ इंटेंसिटी है, तो वो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन की गई है ना, वो हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमें इस पॉइंट पे मान लो इंटेंसिटी डिफाइन करनी है ना, मान लो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और उसको रखेंगे और देखेंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है। हाँ प्रथमेश, फील्ड इंफिनिटी तक जाता है, तो उसको रखेंगे और देखेंगे इस पर कितना फोर्स लगा। जब हमने यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज रख दिया तो अब ये इस पर कुछ फोर्स लगाया मान लो एफ, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलेंगे ये इस पॉइंट की फील्ड की इंटेंसिटी है। यहाँ सब कुछ अभी पॉइंट चार्ज लिया हुआ है ना, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट पे हम फील्ड की इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे ना, जो चार्ज को ला के रखते हैं वो टेस्टिंग पर्पज के लिए, इसलिए इसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस में ही होता है। चार्ज के दो टाइप है, तो हमेशा टेस्टिंग पर्पज के लिए कौन सा चार्ज लाना रहेगा आपको, प्लस वाला। और जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी चाहिए वहां पे रख देंगे और फिर देखेंगे कि उस पे कितना फोर्स लगा, तो वो जो भी फोर्स लगा फोर्स बाय क्यू कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना था, यूनिट चार्ज पे फोर्स निकालना है, ये एफ बाय क्यू का मतलब क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे डिफाइन की गई है, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी मतलब उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी होगी डायरेक्शन के साथ। ये यहां तक नोट हो गया, मैं इसको अब लिख देता हूं। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, ये नोट हो गया है। एक बार मुझे पूरा करा लें तो फिर रिपीट कर दूंगा, जल्दी जल्दी नोट करो, बाकी रिकॉर्डिंग ले लेना जिनको नेट की दिक्कत आ रही है, क्योंकि तो कितनी बार मैं बार बार कर पाऊंगा। नोट कर लो ना राज, क्योंकि ये कई बार लाइट वाइट की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये फिर सेव नहीं हो पाता। वन नोट पे नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, नॉर्मल ये इसके बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ नहीं तो नोट्स भेज दूंगा, नहीं तो नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो ना सर। रोहन अब यार वो वीडियो देख लेना फिर से ना, कई सबको प्रॉब्लम आ रही है, कितनी बार रिपीट कर पाऊंगा, सब बोल रहे हैं नेट प्रॉब्लम, तो क्लास हो ही नहीं पाएगी सर। हाँ ये भाटिया नाम का कोई तो प्राइवेट चैट कर रहा है, बीच बीच में आ रहा है डिस्टर्ब करने को। अरे चलो मैंने प्राइवेट चैट बंद कर दिया। सर वापिस को तो मेरे नाम से कर रहा है। अभी तू ये बता, अभी जो तेरा यहाँ दिख रहा है ये सर हो गया, ये तेरा है किसी और का है? नहीं वो किसी और का है, सर हो गया वाला। अच्छा। बदल दिया उसने नाम वापिस। कौन सा नाम आया अभी तुरंत, क्या बताओ, नहीं नहीं पता, नाना जान दे तो भी।
लोगों की जिंदगी में कितना फालतू टाइम है यार। हाँ यार ये सही बोल रहा है तू, नेम चेंज करने का ऑप्शन ही बंद करता हूँ ना, लोग फालतू करने टाइम पास कर रहे हैं। सर आपने बंद क्यों किया इतने दिन? क्या बंद कर दिया? वो ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? वो नेम चेंज करने का ऑप्शन बोले थे ना? नेम चेंज करने का, वही बंद कर दो ना। हाँ वही कर रहा हूँ। चेंज हो रहा है अभी भी? अभी हुआ नहीं है यार। ये कहाँ पे रहता है यार, मिल नहीं रहा अभी तो, देखा तो था मैंने, यहाँ कहीं तो रहता है। हाँ ये मिल गया, अब नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ ये ओजस्वी पहले सब लोग लिख लो ना, फिर मैं लिखाता हूँ। वो ये जो भी मैंने समझाया सब लिखाता हूँ, बट पहले ये वाला बोर्ड का लिख लो जो भी है। चलो अब देखो ये जो मैं हम लोग समझ रहे थे वो नोट कर लेते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, तो हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। अगर वहां आसपास चार्ज नहीं होगा तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अगर होगा तो जो चार्ज है उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो हम फाइंड कहाँ करेंगे? स्पेस में किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। फिर स्पेस में उस पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे? उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, जिस भी पॉइंट पे निकालना था उस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। फिर देखो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना, उसको रखने से जिस चार्ज की वजह से हमें निकालना है, मान लो हमें इस चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालना है, तो अगर हम यूनिट चार्ज यहाँ ला के रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा ना। अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया तो थोड़ी हमें जो अभी वाली पोजीशन का आंसर चाहिए था वो मिल पाएगा। हम तो यही चाहेंगे ना कि ये अपनी जगह बना रहे, अभी हमें इस पोजीशन पे जब चार्ज रखा है तब यहाँ का इंटेंसिटी चाहिए। अब कोई बड़ा चार्ज ला के रखा है, ये मूव कर गया तो फिर वो पोजीशन ही चेंज हो जाएगी ना। हाँ प्रथमेश, फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। तो हम यहाँ पे क्या लाते हैं, ये जो चार्ज लाते हैं ये बहुत छोटा लाते हैं, ये जो चार्ज लेके आएंगे ये बहुत छोटा लेके आएंगे, सो दैट कि इसको रखने पे भी ये पोजीशन में बहुत स्लाइट चेंज आए, तो लगभग आंसर सेम बना रहेगा। और फिर एक छोटे से चार्ज पे फोर्स आ गया तो एफ बाई क्यू करके फिर यूनिट चार्ज पे फोर्स निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली निकाला हमने यूनिट चार्ज पे ही, अल्टीमेटली हमने निकाला यूनिट चार्ज पे ही, लेकिन ऐसे निकाला कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जिसके वजह से इंटेंसिटी चाहिए थी वो चेंज ना करे। इस लोग चार पांच बार भी प्राइवेट चैट पे लिखेगा तो भी रिप्लाई नहीं करूंगा ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन चेंज, आदित्य एक मिनट रुका भी बताता हूं, कैन चेंज कॉन्फिगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी चार्जेस रखे जिनकी वजह से हमें इंटेंसिटी निकालना है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम. तो वी ब्रिंग चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड. टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. अब देखो जैसे आदित्य ने पूछा कि पॉजिटिव ही क्यों, तो अब देखो जैसे मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो अगर मैं प्लस वाला चार्ज रखूंगा तो इधर फोर्स लगा, अगर ये वाला भी प्लस है, और माइनस रखा तो इधर लगा. तो अगर मैं फिक्स नहीं करूंगा कि कौन सा लाके रखना है, तो कोई प्लस वाला लाके बोलेगा इधर है इंटेंसिटी, कोई माइनस वाला रख के बोलेगा इधर है इंटेंसिटी, तो बात कंप्लीट ही नहीं होगी. तो कोई भी चीज जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि सबके लिए वो सेम है ना, सबके लिए सेम. तो इसलिए फिक्स कर दिया गया है कि सबको पॉजिटिव चार्ज रख के ही डायरेक्शन डिसाइड करना है. यार मैंने डाले हो गए, क्या बोल रहे हो? पब्लिक डाला है ना सर? अब तो सर सर हाँ नेगेटिव चार्ज यूज किया तो भी वही तो मिलेगा इंटेंसिटी, मतलब फोर्स वेक्टर उल्टा. हाँ, बस नीचे तो नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा बट डायरेक्शन के साथ इंटेंसिटी डिफाइन की गई है ना. नहीं ना सर, डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा ना, एफ उल्टा साइड को लगेगा और नीचे चार्ज नेगेटिव है ना, तो साइन के साथ डालेगा ना क्यू, तो ऑफिस सीधा तो हो जाएगा वो. अबे राज कैसी बातें कर रहा है, ये सब कुछ ऐसे 1D में थोड़ी प्लस माइनस से डायरेक्शन होता है. मान ले मैं ये यहाँ पे रखा है, मैं कोई और पॉइंट पे देख रहा हूँ, ऐसे स्पेस में कोई पॉइंट पे देख रहा हूँ. एग्जैक्ट भाई ऐसे डायरेक्शन हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि प्लस माइनस से हो पाएगा. अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई अलग एक चार्ज ले रखा है, एक यहाँ ले रखा, अब दोनों की वजह से यहाँ निकालना है, तो अब 2D या 3D प्रॉब्लम में साइन वैसे तो नहीं आएगा ना प्लस माइनस से. आएगा ना सर, मतलब पेयर पे लेते हैं ना सुपरपोजिशन की वजह से, तो पेयर पे वैलिड हो रहा है. देख अगर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, बट डिफाइन किया गया है ना, डिफाइन ऐसे ही किया गया है कि पॉजिटिव चार्ज लेकर के सोच लो. ओके सर, यस डिफाइन किया गया है ना उसको ऐसे. हाँ सर, कभी भी आपको पूछा जाएगा कि टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा बोलोगे पॉजिटिव चार्ज. ओके सर. तो अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, हम उसको ऐसे बोलेंगे ना, इक्वल टू, या इसी में लिख देता हूँ. यहाँ पे देखो जो क्यू होगा वो टेंडिंग टू जीरो लिख देंगे ना, जहां पे भी इक्वल टू एफ बाई क्यू लिखोगे, साथ में नीचे लिखोगे क्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो. एक क्यू चार्ज की वजह से एक आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो वो कैसा भी नहीं चलेगा. करण करण अरे करण करण भाई माइक बंद करो. ठीक है भागेश, डाल दूंगा ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज पोस्ट कर देना. तो सबको समझ आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिस भी पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखेंगे और उस पे फोर्स निकालेंगे, तो जो फोर्स आएगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलेंगे. मैथमेटिकली ऐसे करना है, लेकिन अगर हम यूनिट चार्ज लाएंगे तो दिक्कत होगी, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो हम बहुत छोटा सा चार्ज लाते हैं और उस पे फोर्स निकाल के एफ बाई क्यू कर देते हैं. स्लोक क्या बोल रहा है, अनम्यूट करके बोल. सर स्लोक हैंड रेज कर रहा है. अरे सर वो मैं इंडिपेंडेंट चार्ज क्या था वो पूछ रहा था सर.
इंडिपेंडेंट चार्ज। हाँ सर वो एक बुक में लिखा था वो इलेक्ट्रॉन की जो बहुत पढ़ाई कर रहा है भाई आजकल। इंडिपेंडेंट चार्ज तो जैसा कि नाम बता रहा है कि वो आजाद है सबसे। बाकी जो सिचुएशन कोई समझ आएगी देख के तब को बोलेंगे ना कि फ्री चार्ज को बोल रहे होंगे इंडिपेंडेंट, अकेला होगा बेचारा वो। मतलब वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जितना वो कूलम है ना मतलब 1.8 है तो वो इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है उससे भी छोटे चार्ज हो सकता है ऐसा। तो इंडिपेंडेंट कमिंग क्या है अबे वो एटम पता है क्या स्मॉल लुक एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता है ना। हां बस वही है देखो वो ये बोल रहे थे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है इसको ब्रेक करके भी इससे छोटे चार्ज आते हैं जिनको क्वार्क बोलते हैं। ये क्वार्क अभी तक इंडिपेंडेंटली मिले नहीं है, हमेशा जैसे ये क्वार्क बनते हैं फिर कंबाइन होकर के फिर से इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ऐसे अलग से नहीं मिलते हैं, अलग से हमेशा क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन e by 3 आपको सेपरेट एक पार्टिकल मिल जाए ऐसा नहीं है। तो इसी को बोला गया कि इंडिपेंडेंट अगर हम देखें तो ई मिलेगा, ये सब बनेंगे तुरंत फिर से कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा ओके ये नोट हो गया यहाँ तक। नहीं सर एक मिनट नहीं जल्द जल्द नोट दीप्तांशु क्या ज्ञान बांट रहा है सर सीरियलिटी पे आए? अबे मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या बात कर रहे हो भागेश तेरे साथ दिक्कत चल रही है तेरे कंप्यूटर के साथ। सब सही है मेरे साइड से तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है टेंशन नहीं लो, जिसको भी दिक्कतें आ रही हैं बाद में मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है यहां तक नोट हो गया। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने जो डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो इसका मतलब वही होगा कि उस पॉइंट का मतलब पॉइंट पे फील्ड कैसे बताओगे। तो पॉइंट पे फील्ड मतलब बताने का होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो यहाँ पे जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा यही नीचे हम इंटेंसिटी लिखा यहीं पे ये भी लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो इसका मतलब होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। केवल पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बोलोगे वो क्या है कोई भी चार्ज के आसपास का रीजन है। अब देखो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा इनकी प्रॉपर्टीज नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है।
और डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज. इसकी यूनिट क्या आएगी? ये कैसे डिफाइन है? E इक्वल टू एफ बाई क्यू करके डिफाइन किया गया है ना, तो मतलब यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम. हम आगे पढ़ेंगे एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ऐसे शॉर्ट में वी बाई एम लिखते हैं. अभी तो हम लोग यही ज्यादातर यूज करेंगे न्यूटन पर कूलम, बट एन बाई सी मतलब ठीक है. नोट हो गया? हाँ सर. हाँ सर. नहीं सर. सर वो आपने नीचे कूलम भी लिखा है ना? हाँ ये कूलम भी लिखा है. ओके हो गया सर. फिर देखो तीसरा पॉइंट है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने डिफाइन किया तो इससे हमें फायदा क्या होगा? अबे आर्यन जल्दी लिखो भाई. आर्यन ने फिर से आर्यन के बाद वाला डॉट हटा दिया. ये दूसरा आर्यन है क्या कोई? इतने आ रहे हैं नहीं अभी. अच्छा ये वाला आर्यन ओरिजिनल है भाई. ओके ओके. इसने वो किया यार वो आर्यन की स्पेलिंग में दो ए आते थे ना. आर्यन वो अलग आर्यन है सर. नहीं लिखता है सबको नंबर असाइन करो. यार आर्यन तेरे तो यार नाम ही गड़बड़ कर दिया तूने तो. सिंगल ए कहाँ अच्छा लगता है बोलने में? आर्यन बोलना पड़ रहा है, लिख ए का आ रहा है. आर्यन बोलना पड़ेगा इसको. तो हम लोग देखो नेक्स्ट क्या देख रहे थे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने से फायदा क्या है? जैसे मैंने बोला कि भाई इस पॉइंट की इंटेंसिटी ई है और वो इस डायरेक्शन में है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लाके वहां रखूंगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई. तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं. आप ऐसे सोच सकते हो कि हमने एफ बाई क्यू ई था, एफ बाई क्यू ई था, क्यू इधर आ गया. E क्या है? यूनिट चार्ज पे फोर्स. तो जितना चार्ज आएगा उतने टाइम्स फोर्स चेंज हो जाएगा. और फोर्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो E के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट में लगेगा ना. अगर E इधर को था इस डायरेक्शन में तो जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज को वो भी इधर को ही लगेगा. अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर को है और मैंने एक निगेटिव चार्ज ला के रखा उस पॉइंट पर तो उस पर फोर्स इधर को लगेगा.
वो उसका मैग्नीट्यूड वही आएगा ना, क्यू इंटू ई। लेकिन इस बार क्यू निगेटिव में डालोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन ई के अपोजिट हो जाएगा ना। तो ई डिफाइन करने से फायदा क्या है कि हमें उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज ला के रखते हैं तो आप फोर्स निकालना आसान हो जाएगा ना, सीधे बस क्यू इंटू ई करना रहेगा ना। ये ध्यान रखना है कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज will be in direction of E and on negative charge it will be opposite to ठीक है, क्लियर है ना। ई मतलब क्या, यूनिट चार्ज पे फोर्स पे, जितना है, दो कूलम ला दिए तो टू इंटू ई हो जाएगा, थ्री कूलम ला दिए तो थ्री इंटू ई हो जाएगा। भागेश यार प्राइवेट चैट मत कर, भागेश ने भी बताया कि बारिश आ रही है भाई। भावेश थोड़ी देर के लिए रुक गई है सर। अच्छा, मौसम का अपडेट देते रह रहा है भावेश हम लोगों को। यार भागे सब, तू झूठ मत बोल, तू कुछ भी करता है बोलता है गलती से हुआ, गलती से इतना मैसेज टाइप हो गया कि बारिश आ रही है। बहुत येड़ी ले रहा आज। हाँ, गलती से हैंड रेज हो सकता है, ये समझ आता है। उसका भी भाई होगा, सही बात है ये। हाँ, हो सकता है। सही है सर, एकदम परफेक्ट। ये हो गया ना, अब अगले स्लाइड पे। रुको रुको रुको, अबे दागा क्या कर रहा है भाई इसमें। देख मैंने क्या बोला, अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लिया था, जब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखा था तो जिधर फोर्स लगा था उधर ही लिया था। लेकिन अब उल्टा बोल रहे हैं कि अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखा फोर्स इधर को लगा तो मतलब ई इधर को है तो इसका मतलब फोर्स उधर को होगा। पहले फोर्स जिधर था उससे ई का डायरेक्शन बनाया था, अब ई पता है तो हम फोर्स बता सकते हैं उसी डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। आज कोई भी पापा की मीटिंग नहीं होगी, बारिश की वजह से सब कैंसिल हो गई होगी, टेंशन नहीं लो आप कुछ भी। आज 4 बजे तक है सर? हाँ आज 4 बजे तक है। तो हम तू मजे मत ले, आज क्लास चलेगी अपनी 4 बजे तक। अब देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये किस स्पीड से मूव करता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई चार्ज ला के रखा तो इसके यहाँ रखते ही इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आएगी, लेकिन इंटेंसिटी को आने में टाइम कितना लगेगा। तो अगर ये मान लो डिस्टेंस डी है तो जैसे मैं यहाँ रखूंगा वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो यहाँ तक अगर टाइम 0 पे यहाँ चार्ज रखा हुआ है तो टाइम डी बाई सी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो डिटेक्ट होने लगेगी। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। सर फोर्थ पॉइंट है वो। फोर्थ पॉइंट है
हाँ सर। अरे यार क्या दिक्कत चल रही है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं सर एक पॉइंट लिख रहे हैं, रुको ना रुको, अच्छा हां लिखो नोट करना, पढ़ाते पढ़ाते मैं इमोशनल हो जा रहा हूं। अतः जो कल से करना है वो आज ही से करने लग गया मैं। नहीं अजीम इतना भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही फॉलो कर रहा हूँ बस कल का काम आज से। वरद केवल अच्छे काम फॉलो कर रहा हूँ भाई, फालतू काम थोड़ी ना। हो गया सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसके वजह से जब हम किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो अब देखो भागेश ने फिर कुछ कमेंट किया, फिर बोलेगा गलती से हो गया। भागेश ने इसमें प्राइवेट में ये कमेंट किया है जिसको मैं पब्लिकली डाल रहा हूँ। भागेश यार ये नहीं चलेगा, तेरे को कितनी बार बोला है कि प्राइवेट में मत कर। ये भागेश का कमेंट आया था, क्या है ये, सर जूम चाइनीज है, ज्यादा देर रहे तो अपनी इन्फो उनके पास जाएगी। भागेश कौन सी इन्फो छुपा रखा है भाई तूने, सर आपने का डर है। अब ये बोलेगा थोड़ी देर बाद ये भी गलती से टाइप हुआ था। यार ये मैं भी सोच रहा हूँ यार जूम हटाने के लिए, बट कोई ऑप्शन व्हाइट बोर्ड का नहीं मिल रहा है जिसमें फ्लैश लाइट हो स्पॉटलाइट के साथ में। कोई अगर ऑप्शन मिले तो बताओ, मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। मैं भी नहीं चाह रहा हूँ जूम पे कंटिन्यू करना। गूगल सर अमेरिकन है, जूम अमेरिकन है या चाइनीज है? चाइनीज है, चाइनीज है, कौन बोले? अरे अमेरिकन हेडक्वार्टर है, आईफोन भी चाइनीज बोलो फिर। चाइनीज है सर, अमेरिकन है, एमएक्स है सर, चाइनीज है, चाइनीज है, चाइनीज है, चाइना का क्लास गया, चाइनीज है, चाइनीज है क्या, अमेरिकन देख ले, चाइनीज है, चाइनीज है। गूगल करो, गूगल करो फिर। हां गूगल करो, एक बार देख लो, गूगल करो देखना ही पड़ेगा सर। देखो देखो उसका ओनर चाइनीज है, इधर दूसरा हिंदुस्तान वर्सेस चाइना हो रहा है। कम दे से सर वेबएक्स है ना, चाइनीज कंपनी। अब लोग क्या शुरू कर दिए, कहां तो मुझे भाई, रुको 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 सर एक मिनट, अब तो कर नहीं है, अब तो कर नहीं है। हम कुछ कर रहे थे यहाँ पर सर, अमेरिकन सर, वेबएक्स है सर, अमेरिकन सर, अमेरिकन सर, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, चाइना में ऐसा कुछ है शायद कुछ, तो फिर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ना सर। ठीक है तो मतलब कंपनी अमेरिकन है तो फिर जाने देते हैं सर, सबके लैपटॉप भी चाइनीज है, चाइनीज है, लैपटॉप चाइनीज बनते हैं यार। माइनर गलती हो गई वो नहीं सुधर सकती, बट आगे तो नहीं करे बस। ओके सर, ओके ठीक, हमारा कंटिन्यू करना नहीं है। चलो फिर तो हम लोग देखो ये देख रहे थे कि अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उसके पास में इंटेंसिटी निकालें तो वो क्या आएगा, जब हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे स्मॉल और लाके यहाँ रखेंगे तो उसपे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से अवे। और अगर मैं यहीं पे एक निगेटिव चार्ज रखूं और उसकी वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालूं तो क्या करूंगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस वाला ही लेके आऊंगा और यहाँ रखूंगा, तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। अब अगर फोर्स इधर लगेगा तो मैं बोलूंगा उसकी वजह से इंटेंसिटी भी किधर आई, इस डायरेक्शन में। जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर कोई इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स चार्ज होगा ना, हमेशा टूवर्ड्स चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने देखो यहाँ दो टाइप के डायरेक्शन की बात की, एक डायरेक्शन की कोई चार्ज की वजह से ई का डायरेक्शन किधर होता है, और एक जब चार्ज लाके इस पॉइंट पे रख रहा हूं तो फोर्स किधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूंगा तो फोर्स किधर लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ ई, वो अलग बात था ना, फोर्स किधर लगेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो आएगी वो किधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, निगेटिव चार्ज के वजह से टूवर्ड्स चार्ज ना, ये कोई पे भी इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर किधर होगा, इस चार्ज से अवे, मतलब इस डायरेक्शन में। यहाँ देखेंगे तो इस चार्ज से अवे इस डायरेक्शन में ना, हर जगह पे अवे दिखा देना है, और निगेटिव चार्ज के वजह से टूवर्ड्स चार्ज दिखा देंगे सर। हाँ, वो अभी सेकंड केस बताया ना आपने माइनस का, उसमें पॉजिटिव चार्ज लिया एज अ यूनिट चार्ज, तो अगर नेगेटिव लिया तो फर्स्ट केस की तरह ही हो जाएगा ना। बट अपन ले कौन सा लेते हैं, अपने पे कंस्ट्रेंट डाला गया है ना कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है। नहीं, फिर भी इन केस अगर लिया तो लेगा तो होगा ही, लेकिन अपन ने जो बोला हुआ है वो फिक्स कर दिया रूल ना। हाँ सर, अब हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही सब सोचेंगे। ठीक है सर। तो अब देखो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अरे यार, ऑलवेज कैल रह गया भाई लिखने को। ये क्या था भाई, ये क्या लिख दिया, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम, अरे अवे लिखना था, क्या लिख रहा, सही कर दिया, आवे था ना, वो कुछ गड़बड़ हो गया था। यहाँ ऑलवेज लिखा है ना, ये अवे नहीं लिखा है कि अवे वो चोज।
लोग घर पे रहने का कुछ तो फायदा रहेगा, बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा फिर पी लिया जाए चाय कॉफी। सही है सर, सही है सर, सही है। चले अब अगले स्लाइड पे। हाँ बारिश का मौसम भी हो रहा है वैसे। हाँ अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, एक पहले हम लोग बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक थ्रेड से एक चार्ज ऐसे सस्पेंड कर रखा है, एक चार्ज ऐसे सस्पेंड कर रखा है ना फ्रीली, और मान लो हमें इस पॉइंट पे ग्राउंड के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो मान लो वो कुछ ई रही होगी ना, जब हमने एक चार्ज यहाँ सस्पेंड कर रखा है तो उसके वजह से यहाँ कुछ इंटेंसिटी आएगी ना, तो वो मान लो ई है। फिर हमने इसको कैलकुलेट करके सोचा कि देखा जाए कि ई है या नहीं, हमने अभी माना कि मान लो ई है, वो एक्चुअल वैल्यू कुछ ई है। फिर हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी इस अरेंजमेंट में हमने यहाँ पर एक इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लेके आया और रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे कुछ फोर्स लगेगा एफ, तो एफ बाई क्यू करके हमने ई निकाला, तो ई की वैल्यू कुछ मान लो ई डैश आई। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो क्या है, ये क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे कुछ इंटेंसिटी है, वो आप निकालो या ना निकालो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी तो है ही। अब हम निकालने गए तो हमने एक क्यू चार्ज रख के कैलकुलेट किया, तो हमें अब ये बताना है कि कैलकुलेट किया तो वो कुछ आया एफ बाई क्यू करके ई डैश, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। हाँ ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट वाला होगा। हाँ देखो फर्स्ट वाला क्यों होगा, क्योंकि जैसे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आनी थी वो कुछ ई आई, लेकिन जैसे मैं निकालने जाऊंगा तो जब इसको रखूंगा तो इसके रखते ही क्या अब ये यहाँ पे रुकेगा, अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो ये क्या होगा, यहाँ पे रुक पाएगा, बताओ यहाँ रुकेगा, तो ये क्या होगा, तुरंत इसके रिपल्शन की वजह से थोड़ा दूर खिसकेगा ना। हाँ सर, तो दूर खिसकेगा तो जहां आपको चाहिए था ये मान लो आर डिस्टेंस पे, तो आर पे अब नहीं निकल पाएगा, ये कहीं इधर जाके रुका, ये थोड़ा दूर जाके कहीं इधर रुका, हालांकि स्मॉल क्यू हमने बहुत छोटा लिया तो बहुत थोड़ा सा मूव किया, बट थोड़ा तो मूव किया ही वो, तो अब ये जो डिस्टेंस होगी वो कुछ आर डैश रह जाएगी। अब अगर चार्ज दूर चला जाएगा तो जो इफेक्ट आएगा वो कम हो जाएगा ना, पास में रहता है चार्ज तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, चार्ज दूर जाएगा तो अब कम फोर्स लगा पाएगा, कम फोर्स लगाएगा तो एफ कम हो जाएगा तो ई भी कम हो जाएगा, तो ई डैश क्या है एक्चुअल ई से कम आएगा, समझो। जब भी आप निकालने जाते हो तो आप हल्का सा तो सिस्टम चेंज कर ही देते हो, प्रैक्टिकली देखो हम ये कर सकते हैं, अमन अगर हमें सही निकालना है तो हम इसको पकड़ के रखें और फिर इस पॉइंट पे चार्ज ला के रखें तब हमें सही मिल पाएगा, अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे तो सही नहीं मिल पाएगा। बट सर
समझो ना, अगर पकड़ के रखेंगे तब तो सेम फोर्स लगेगा F जो लगना चाहिए, फिर वो सही दे देगा। तोड़ दोगे तो पीछे खिसक जाएगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा वैल्यू सर। हाँ, वो टेस्टिंग चार्ज की वजह से कुछ थोड़ा सा नेग्लिजिबल डिस्टेंस भी गया तो भी इंटेंसिटी में हमें उसे। अब देखो ये अलग बात है कि अगर मैंने ये बहुत छोटा रखा तो ये चेंज इसमें जो आया वो भी बहुत छोटा आया, लेकिन मैं अगर पूछू कि भाई ये दोनों क्या कुछ चेंजेस आए हैं तो आप बताओगे कि हाँ, E dash is less than E। ओके ठीक है सर। अभिलाषा क्या हो गया, माइक प्रॉब्लम क्यों बोल रही है? मेरी आवाज तो सही आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। श्रेया मजे ले रही है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले मैंने श्रेया अभिलाषा को बोला था कुछ बोलने के लिए, तब की बात कर रही होगी सर, नहीं तो उसका माइक प्रॉब्लम होगा। ये भाग्यश देखो अलग ही प्राइवेट चैट पे लगा पड़ा है सर, एक शायरी सुना दो बारिश में, इसके जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है। बारिश आ रही है तो चाय पी पकौड़े खा, शायरी सुन के क्या होगा, जल्दी लिखो भाई। ये सब काम वीजीएम सर का है, उनको बोल उनकी क्लास में गाना भी सुना देंगे सर। गाना अच्छा नहीं। माइक पे तो गाना मैं भी सुना सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे प्ले करके कुछ सुना सकता हूँ ऐसे। राज यार तू ही सुना दे, बहुत दिन हो गया गाना सुने हुए। राज यार तूने वो एक बार जो सेल्फी वाला गाना सुनाया था बहुत सही लगा था भाई, एक बार तो चलता है। और मेरे आवाज में वो बात नहीं, आपके आवाज में वो बात है। एक्चुअली सेल्फी गाना के लिए आवाज तो चाहिए ही नहीं, तो तेरे जैसा आवाज भी मतलब बहुत हिट हो जाएगा एकदम। नहीं सर आप एक बार आप गा के तो देखो सर। यार मेरे में गाने का दूर दूर तक कोई टैलेंट ही नहीं है, नहीं तो मैं गा देता। कौन बोल रहा है? तो ट्राई तो करो एक बार, तू एक बार सुना पहले फिर मैं देखता हूँ। पहले आप सुनाओ ना। नहीं यार तुम लोग पहले मेरे को राज से गाना गवाने दो, तुम लोग जल्दी पढ़ो। राज इतना अच्छा तुम लोगों ने देखा नहीं है, कितना अच्छा सेल्फी वाला गाना गाता है। पहले आप सर। प्रथमेश माइक ऑन है, इसने माइक ऑन कर लिया है। ये जादू है सबके माइक में। माइक बंद करो भाई, कोई कहां से आवाज आ रही है? अथर, दीपा, दीप्तांशु और प्रथमेश। अब क्या, मैंने माइक बंद किया सर। हाँ अभी प्रथमेश बचा हुआ है, भाग्यश पाटिल आ गया, वो लग रहा है कुछ सुनाने वाला है। सर पे तुम लोग यार टाइम वेस्ट करो, कोई सुनाएगा या फिर मैं सुनाऊंगा? सर आप सुना दो एक बार, एकदम बेस्ट काम हो जाएगा, माहौल भी बन गया है। श्लोक तो आप सुना ही दे भाई तू। अच्छा एक चीज तो है ना, श्लोक तो लगता ही है ना कि सिंगर टाइप है, उसका लुक को एकदम देख करके। हाँ और आर्यन बैक म्यूजिक। हाँ और आर्यन लगता है कि कोई म्यूजिशियन होगा जो बैक में म्यूजिक देगा। सर कुछ भी सर कुछ भी, तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है गाने के लिए। एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन। सर आप मुझ पर घुमा रहे हो सर, ऐसा नहीं आप पर बनती भी बहुत है दोनों की। तो श्लोक एक तो हो जाए, रॉक स्टार टाइप यार तेरा स्टाइल ही है, देखने में एकदम लगता है यार, एक तो गाना चलता है। सर आप पर था वो, ऐसा मत करो। इतना मत शर्मा यार, तू तो अच्छा सुना सकता है भाई, देख तो तेरा नाम भी लोगों ने क्या क्या रख दिया, श्लोक बीबर वीबर क्या क्या आ गया नाम तेरा। अरे सर शर्मा क्यों रहा है यार, एक तो सुना दे भाई।
यार सुनाने वाला है या कि नहीं भाई, आगे पढ़ाऊं यार? तुम लोग टाइम वेस्ट करा रहे हो बस मेरा, सुना दे स्लो, चार महीने करके क्या फायदा अगर ऐसे टाइम वेस्ट होगा तो। सुना दे, नहीं लोग दिनचर्या की श्लोक नाम रखने लग गए, फिर देख ले तू। कहाँ गया? नहीं सुनाएगा यार, पढ़ा नहीं दो मुझे सर। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। अरे आया था क्या? देख ले, हम लोग थोड़ा रुक सकते हैं सर, अगर राज गाएगा तो फिर मैं गा सकता हूँ। राज अब तो तू गाई दे यार, तेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तू तो शर्माता है नहीं, फिर श्लोक भी गा देगा, फिर छोड़ेंगे नहीं श्लोक, ये ध्यान रखना, गाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, देखते फिर देखेंगे। अब गाओगे तो मैं भी गाऊंगा सर। ये तू मेरे ऊपर क्यों डालता है भाई? सर कितना मजा आएगा सोचो ना, आप भी गा रहे हो, मैं भी गा रहा हूँ, श्लोक भी। कुछ भी बातें कर रहा है, सब गाएंगे, मजा आएगी सर। यार मुझे पढ़ाने दो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। चलो हम लोग अब देख रहे हैं ई, पॉइंट चार्ज। भागेश गाने को बोल रहा है यार, वो भागेश शायद बोल रहा है करने को। सर वो गा रहा है क्या? हाँ भागेश आजा, शुरू हो जा यार, प्राइवेट चैट मत कर, पब्लिक में बात कर जो भी करना है। हाँ भागेश, कौन सा गाना सुनाने वाला है? कहाँ आया ही नहीं भागेश यार, अथर्व आ गया, अथर्व तो बोलता नहीं है गाने के लिए। भारत यार तू उसको अंडर एस्टिमेट मत कर यार, जॉनी जॉनी थोड़ी गाएगा वो। चलो अब मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई करेंगे। अब देखो देखो भाई, एक हमने कोई पॉइंट चार्ज दिया ना हम लोग, अब देखो जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना मास में, कि पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, फिर फील्ड इंटेंसिटी, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मास के कौन मास वाले बॉडी के वजह से इंटेंसिटी निकालना सीखा था। अब वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, तो जो आपने उधर फॉर्मूले देखे थे वही सब सेम फॉर्मूले इधर भी आते जाएंगे। तो अब देखो जैसे मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया क्यू, और उसकी वजह से चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक लेके आएंगे और उसको उस पॉइंट पे रख देंगे। अब जब हम इसको रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम चार्ज, और फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स आ जाएगा ना। और ये फोर्स क्यू चार्ज पे आया, तो अगर मैं यहाँ यूनिट चार्ज लगता तो कितना फोर्स लगता, तो एफ बाई टू कर दूंगा, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो जैसे ग्रेविटेशन में होता था ना के वो जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी की जगह बस यहाँ के रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला है तो अवे फ्रॉम चार्ज, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स चार्ज होते, और मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट करो, इसमें एक चीज और, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखाना रह गया, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेगा और मीडियम डिपेंडेंट है, फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
फॉलो कर रहा है तो ये भी करेगा, तो ये दोनों पॉइंट लिख दो ना यहाँ पर, फिफ्थ के बाद सिक्स में एक लिख लो, इट विल डिपेंड ऑन मीडियम और नेक्स्ट पॉइंट इट विल फॉलो ये पहले लिख लो ना, ये कोई ना भाई सर भूख लगी है मुझे, चीनने को जाना है मुझे, लोग को बहुत ज्यादा भूख लग गई, आवाज भी नहीं निकल पा रही है, बहुत धीमे धीमे बोल पा रहा सर मैं नहीं था वो, मैं नहीं था वो, कुणाल है, कुणाल मैं नहीं था वो सर, अच्छा कुणाल कोई तो भी था, सर आज के दिन मतलब नेक्स्ट टाइम से करो चाहिए तो ये पता नहीं, घर पे ही तो बैठा है, खाने में क्या है, खाना मंगा ले खाता रहे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता है ना सर, आपने ही तो बोला है, तो आर्यन को बोल दे, मैंने ही तो बोला है, तो हाँ बोल रहा हूँ खाने के लिए भी ना, आर्यन को खाना नहीं बनाना पड़ता है यार, वो बस बर्तन धुलता है, वो बहुत बताया था उसने फुल टू पेज कुछ तो एक बार बता रहा था ना, कुछ हैंड वैंड का कुछ जब बता रहा था एक बार क्लास में, तो बोल रहा था हाँ स्लो की धोते हैं, स्लो खाना पकाता है वो, राज वो तेरा वाला पास्ट पता है ना, उमंग वाला उमंग वाला पास्ट राज को पता है ना, का बोले हम सुनने रहे का, हाँ 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 कौन सा उमंग वाला पास्ट भाई, सर राजा उमंग आपको पता नहीं क्या सर, जाने दो अभी सर, क्या आपने नहीं सुना क्या, बोल बोल बोल, अरे चलेगा भाई, हम लोग ये प्राइवेट मीटिंग है यार, इसमें तो चलता है, कोई ऐसा बाहर पब्लिकली नहीं जा रहा है, बता सकते हो तुम लोग सर, पूछना विस्तार में किसी को भी पूछो सर, हाँ उमर राज वाला किया हुआ है क्या था, तुमने क्या कांड किया ऐसे सर पूछ रहे, हमें तो नहीं पता तुमने लॉकडाउन में क्या काम किया वो बोलो, अरे श्लोक बोल, अबे नारायण तू शांत रहे भाई, तो यहाँ तक अपना सब नोट हो गया ना, ये दोनों पॉइंट नोट हो गए ना, हाँ सर हो गए, अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है ये अलग से लिखाऊं या वही सेम चीज है, कि कोई एक चार्ज के वजह से जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो दूसरे चार्ज के वजह से इफेक्ट नहीं होगी, और नेट इंटेंसिटी दोनों का वेक्टर सम होगा, बताओ लिखा दूं कि यार जाने दो, जाने दो, नहीं सर सेम ही वही, बिल्कुल घड़ा को ये भी हो गया होगा, ये लिखना था ना, अब अच्छा आप बैठो ही काय, तो देखो अब जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के वजह से हमने इंटेंसिटी निकाल ली, अब कितने भी पॉइंट चार्ज आएंगे तो उनके वजह से इंटेंसिटी निकालने के टाइम पर, अब हम बार बार ऐसे टेस्ट चार्ज लेके नहीं आएंगे ना, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे मान लो हमने बोला कि भाई एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे मान लो हमने एक यहाँ पे प्लस टू चार्ज रख दिया और एक यहाँ पे माइनस टू टू चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको बोला जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, तो हम लोग वही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाएंगे ना, दोनों के वजह से अलग अलग ई लिखेंगे, जब एक के वजह से ई लिख रहे होंगे तो दूसरे वाले चार्ज को नहीं सोचेंगे ना,
करो जल्दी। हाँ तो लगभग सबने कर लिया, तो हम लोग देखो क्या क्या लिख देंगे। सबसे पहले हम ए पे जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ए वाले चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज। ए वाले पे जो चार्ज है उसके वजह से मान लो ई वन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अवे फ्रॉम चार्ज ऐसे लिख देंगे। और सी पे जो चार्ज है उसके वजह से क्या होगा? टूवर्ड्स चार्ज होगा, वो मान लो ई टू है। और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कुणाल क्या कर रहा है भाई? हेलो कुणाल, तो E1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? KQ/R² ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और E2 कितना हो जाएगा? K2Q/R². देखो यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, नहीं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन हमने यहाँ अलग से बना लिया ना। यहाँ माइनस चार्ज की वजह से टूवर्ड्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, फिर हमने केवल उनका मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब इसको हम नेट निकालना है, तो नेट कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर देंगे, 3K2/R², तो कितना हो जाएगा? 2A² + B² करेंगे तो KQ/R² बाहर आ जाएगा, जो हो जाएगा √5 KQ/R² ना। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना, ये नहीं कि सीधे ऐड करके 3KQ/R² बोल दिया ना। मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किधर है? इधर को। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो इधर को फोर्स फील करेगा, और निगेटिव रखूंगा तो अपोजिट में इधर को फोर्स फील करेगा। सबको क्लियर है? जल्दी नोट करो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। यार कोर्स टाइमली कराना है ना, तुम लोग इतना आराम आराम से सोचोगे तो कैसे होगा? थोड़ा और पढ़ते हैं अभी। सर लिखना बाकी था। अबे यार लिखो जल्दी। सर आप नोट्स डाल रहे हो ना आज? तो फिर अभी जस्ट पढ़ा लो, बाद में नोट्स कर लेंगे। हाँ सर बेस्ट। अब तो लगभग देखो हो ही गया, अब तो सेव तो हो जाना चाहिए। अपने को एक नया सिंगर मिल गया है जो बोला है कि नेक्स्ट क्लास में गाना गाएगा, वो बस नाम नहीं बताना चाह रहा है वो। तो आयुष यार अभी अभी भी चलेगा? नहीं बोल के बोल दिया आपने। तो मैंने आगे का थोड़ी बताया कौन सा आयुष पार्टी, उसमें आगे और भी था ना, उसका टाइटल नहीं बताया। कई सारे आयुष हैं अपने यहाँ। पाटिल तो हो ही नहीं सकता, पाटिल तो दूर दूर तक ये काम नहीं करेगा। मतलब वही है, मतलब वही है। मीटिंग में क्या आयु से? वो जैसे तेरा नाम बदल बदल के कर रहा है वैसे कर रहा है कोई। हाँ सर, पर आपने नाम चेंज करना बंद कर दिया। नाम मतलब बंद कर दिया सर आपने। फंस गए सर। क्या कैसे गालियां दे रहा है, कुत्ता कमीना, ये क्या होता है भाई? उसका नाम टॉमी है सर।
सर अगर वो गाने नहीं गाएगा तो फिर फाइन है। जो भी सिंगर है वो गाना नाम चेंज करके गाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं। तो हम लोग देखो अब नेक्स्ट कर रहे हैं, बस एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं, अभी तो अभी टाइम है, काफी टाइम है, अभी और करते हैं थोड़ा। तो मान लो हमारे पास एक कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लो एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और वो रखा हुआ है कुछ 2, -1, 5 पर, और एक पॉइंट है 3, 0, 2 ना, मान लो चार्ज पॉइंट ए पे रखा है और पॉइंट बी पे हमें इंटेंसिटी बताना है इन वेक्टर फॉर्म, ई बताना है वेक्टर फॉर्म में। अथर्व कहना हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व करो। हो गया सर। देखो ये तो एकदम ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक पॉइंट पे चार्ज रखा है और दूसरे पॉइंट पे ई निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर करोगे ना, आर मतलब यहाँ पे कितना होगा ए से बी तक की डिस्टेंस, मतलब ए बी, और डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव चार्ज अगर हमने यहाँ रखा है तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे ई का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज, निगेटिव चार्ज है इसलिए टूवर्ड्स चार्ज ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में ई होगा, तो अब हमें ई एट बी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ई का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, बी से ए की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बी से ए की तरफ वाला यूनिट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब वही ए बी ना, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर का मॉड, और बी ए कैप मतलब बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी ए का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में बी ए वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर हम कैसे लिख लेंगे, बी ए वेक्टर के लिए हेड क्या है, ए वाला पॉइंट हेड है, बी वाला पॉइंट टेल है ना, अरे तनेश 500 दौरा पड़ गया तुम्हें, उड़ा दो सर, उड़ा दो सर, रिमूव कर डालो, रिमूव कर डालो, हाँ सर रिमूव करो सर, जाने दो, आज एक कर दिया, आज के लिए बहुत है, तो अब देखो बी ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, बी ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा,
कि ये हमारा हेड है ये टेल है, तो हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड वाले में के कैप कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बी ए वैक्टर 2-3 I cap plus minus 1, 0 minus 0 J cap plus 5-1 A cap। तो ये हमारा हो गया minus I cap minus J cap plus 4 A cap। और इसका mod निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब आगे तो तुम लोग कर ही लोगे, ना बी ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर। डेढ़ घंटे के ऊपर तो मेरा पेन भी चलने को तैयार नहीं है, अब गड़बड़ हो रहा है बार बार चलने में। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर तो √18 ना। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देंगे ना, नीचे √18 का क्यूब और यहाँ ये वेक्टर डाल देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा ना, के क्यू करके और वेक्टर के टर्म में आ जाएगा। According to simple Wikipedia, ठीक है फिर तो अब आज यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए ई निकालेंगे। तो अभी होमवर्क देखता हूँ, अगर कुछ देने लायक रहा तो दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बाकी गाना तो देखो एक्चुअल में मजा तभी आएगा जब राज गाएगा वो अच्छा वाला जो गाना वो गाता है सेल्फी वाला। हाँ यार वो टेस्ट सीरीज के लिए E2 का ले लो सब लोग ना, 1 ईयर वाला जो उनका रहता है 12th के बच्चों के लिए E2 वाला, वो वाला टेस्ट सीरीज ले लो सब लोग। E2 की साइट पे जाओ, हो जाएगा वहीं से ना, ऑनलाइन ही ले लो E2 ना। जो स्पेलिंग लिखा है वही है ना, वो वही लेना। उसमें वो 12th के लिए जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें एक बार देख लेना ना, वही वाला लेना है। 12th का टेस्ट सीरीज में दोनों का रहेगा, 2 ईयर का रहेगा, मतलब 1 ईयर वाला टेस्ट सीरीज लेना है जिसमें 11-12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो उसमें पहले 11th के टॉपिक होंगे तो वो अभी स्टार्ट कर लेना देना, तब तक हम लोग 12th का कर लेंगे। ठीक है फिर अब क्लोज करता हूँ। कहाँ कोई गाना गा रहा है यार, तुम लोग टाइम पास करा रहे हो केवल। कोई फायदा नहीं है अब डिस्कस करने का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। अपन को एक बच्चा मिल गया है जो गाना गाएगा, देखते हैं वो क्या होता है फिर। चलो फिर बाय बाय बच्चों।
एक मिनट नोट्स सेव कर दिया जाए।